हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसडी यादव बुक का क्षेत्रफल को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 172 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज 173 विविध प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, एसडी यादव बुक का ये लास्ट वीडियो होगा एरिया का, उसके बाद हम लोग 3D आयतन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसडी यादव बुक का सलूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, 173 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। कहता है किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। वर्ग किस प्रकार का होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है, और इसके विकर्ण पे, विकर्ण मतलब ये वाले, ठीक है, हाइपोटेनस। तो विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, तो समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि जो भुजा ये होगा वही भुजा ये होगा। देखिए, ये थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा बहुत बड़ा बन गया, ठीक है। तो जो भुजा ये होगा वही ये होगा और वही ये होगा, ठीक है। तो हमको दोनों का क्षेत्रफल बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है और हमको रेशियो में लेना है किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये कौन सा त्रिभुज बना रहा है, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए, वर्ग की भुजा यदि ए ए, ये भी ए, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, रेशियो। अब देखिए, इसका विकर्ण जो है, मान लीजिए कि ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, हाइपोटेनस, कर्ण, ठीक है। तो ये जो है, ये त्रिभुज का क्या है, बेस है, आधार है, ठीक है। तो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा जो होता है आपस में बराबर होता है। यदि हम लोग ये भुजा निकाल ले तो ये भुजा जो होगा सो ही यही भुजा होगा सेम, ठीक है। तो कर्ण क्या होता है, रूट टू ए, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आप लगा लीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर, सॉरी, कर्ण बराबर डायरेक्ट लिखते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी, फिर ए स्क्वायर होगा भुजा, हाइट इंटू में आधार इंटू में हाइट, मतलब कि आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ए ए को कीजिएगा तो टू ए स्क्वायर होगा रूट में, तो रूट टू रहेगा और ए स्क्वायर का ए निकल जाएगा, तो रूट टू ए कर दिए। यानी कि भुजा जो हो गया क्या हो गया, देखिए, इस त्रिभुज का भुजा रूट टू ए हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 3/4, देखिए क्षेत्रफल का, रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है, रूट टू का ए का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। चलिए, हो गया और कुछ नहीं, तो ए स्क्वायर रेशियो है, तो रेशियो रूट 3/4, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2, और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, इधर कितना बार में 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4, तो क्रॉस गुना होकर ये 2 हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, रूट 3। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 2 रेशियो रूट 3। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 174 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB 24 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा AD 16 सेंटीमीटर है, भुजाओं AB तथा DC की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तदनुसार AD तथा BC की भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। तो समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज किसके कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होगी, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे, अगर A मानेंगे, ये B, ये C, ये D, ABCD में AB 24 है, ये 24 है, तो DC भी कितना होगा, 24 होगा, ठीक है, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। कहता है AD जो है 26 है, AD, ये जो AD की लंबाई है ये कितना है, 16 है, सॉरी, तो ये भी 16 होगा, ठीक है। और कहता है AB तथा DC की दूरी, ये AB तथा DC की दूरी, ये जो दूरी दे रखा है ये, ठीक है, ये दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा था अनुसार AD तथा BC की दूरी, AD तथा BC की दूरी, मतलब इस प्रकार का ये दूरी हमको बताना है, ठीक है। तो हम लोग अगर मान के चलिए पहले इस वाले त्रिभुज में लेते, सॉरी, चतुर्भुज में लेते हैं, ये वाला नीचे से, देखिए इस वाले चतुर्भुज में, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, देखिए, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो आधार कितना है, 24 गुना में, ऊंचाई कितना है, 10, ठीक है, बराबर। अब इसी फिगर को अगर हम लोग इस प्रकार ड्रॉ कर ले,
देखिए प्रश्न समझने का फेरा है और कुछ नहीं है। इसी फिगर को हम लोग देखिए, ये 24 था, 30, 24 को इधर कर देते हैं, ठीक है, ये 16 नीचे आ जाएगा। तो ऊपर सामने वाला ये 16 और इसके सामने वाला 24, के सामने वाला ये 24, ठीक है। हमको जो दे रखा है क्या, ये 24, 24 वाला जो है ये हमको दे रखा है कितना, 10, लेकिन हमसे ये पूछा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इसको यदि कोई नाम दे दे तो ठीक रहेगा, तो एक्स मान लेते हैं। तो अब देखिए इस वाले चतुर्भुज में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार 16 इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स, बस यही एक्स हमको निकालना था, ठीक है। तो देखिए 6 चौका 24, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 से ये 3 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में सी नंबर, यही चीज है, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं किया। इसी फिगर को आपको हम खड़ा करके बता दिए, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 175 क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 3:5:4 है। देखिए समानांतर जिसके आमने सामने की भुजा होगी बराबर, तो ये 5x होगा, तो ये क्या होगा 4x, क्यों, क्योंकि देखिए रेशियो में इसलिए एक्स ले लिए। आप ना भी एक्स लीजिएगा तो काम चलेगा, लेकिन ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर तुंगत, देखिए तुंगत का मतलब क्या होता है, हाइट, ये जो हाइट होता है ना तुंगत, बड़ी भुजा पर तुंगत कितना है, 20 इकाई है, ठीक है। तो कहता है छोटी भुजा पर तुंगत ये वाला हाइट हमको बताना है क्या होगा। तो जस्ट अभी ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पीछे किया था, सेम प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग पहले लेते हैं इस वाले फिगर में, तो क्या होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है 5x इंटू में, ऊंचाई कितना है ये ऊंचाई 20 बराबर इस वाले त्रिभुज में लेंगे, तो जब इसको पलटी मारेंगे तो आधार हो जाएगा ये वाला यानी कि 4x इंटू में ये वाला हाइट, तो के देखिए एक्स पहले से मौजूद है इसलिए के मान लेंगे, एक्स से एक्स कट गया, 4 5 20, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 25, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 176, देखिए 176 क्या है। एक समांतर भुजाओं की निकटतम निकटवर्ती भुजाएं 36 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो बड़ी भुजाओं की दूरी, देखिए सेम प्रश्न है, जो प्रश्न ये था वही प्रश्न ये भी है। कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार का, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, एक वो है 36 सेंटीमीटर, तो ये है 27 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है तदनुसार उस चतुर्भुज की छोटी भुजा है, उस चतुर्भुज की छोटी भुजा है, तो ये छोटी भुजा होगा ये वाला, इसकी लंबाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो ये वाला हाइट हमसे पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इस वाले त्रिभुज में, सॉरी चतुर्भुज में लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है 36, ऊंचाई नहीं पता है तो x मान लेंगे, तो 36 गुना में x बराबर, इस वाले के लिए लेंगे तो 27 गुना में ऊंचाई कितना है 12 12 36, 3 9 27, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं 177, देखिए क्या कहता है। एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, ठीक है, तांबे को तार को मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया गया, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 121√3 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा होता है ए, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, और क्षेत्रफल दे कितना रहा है 121√3, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है कि यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बना दिया गया जो, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए यहाँ से पहले हम लोग भुजा पता कर लेते हैं, ठीक है, और इसी तार को जो है ना, ये तार इसी को खोलकर एक वृत्त, इस प्रकार का गोल वृत्त बना दिया गया, यानी कि वृत्त का जो परिधि होगा और तार का जो परिमाप होगा, परिमाप बोले या फिर परिधि बोले, दोनों क्या होगा आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 121 गुना में 4, ये क्रॉस गुना होके ए निकालेंगे तो √121 गुना में 4, तो 121 का 11 और √4 का वैल्यू 2 यानी कि 22, तो ए बराबर कितना निकल गया, भुजा 22 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, परिमाप त्रिभुज 3 इंटू में ए
थ्री इंटू में ए मतलब भुजा, भुजा कितना आ गया 22, तो 22 ये कितना होता है 66 सेंटीमीटर, तो परिमाप हमको पता चलिए 66 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला था कि त्रिभुज का परिमाप और वृत्त का परिमाप दोनों बराबर होगा, क्योंकि वही तार को खोलकर इसमें लपेटा गया था, जो तार की लंबाई इसकी होगी वही तार की लंबाई यहाँ भी होगी, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr बराबर कितना 66। दूसरे काटेंगे तो 33 दूना 66, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है और इंटू में आर बराबर 33, तो यहाँ से निकाल लेंगे तो 11 दूना 22, 11 3 33, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 3 21/7, देखिए 7 3 21/2 सॉरी, क्योंकि बट्टा में आएगा 2, तो आर निकल गया। हमको वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 21/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख लेते 21/2 21/2 7 3 21 2 से 11 बार में, तो कितना हो जाएगा 11 3 33 और 21 कितना हो जाएगा 33 और 21, देखिए 21 3 21 3 कर लेते हैं 63 आगुने 11/2, 11 3 33 11 6 66 और 3 66 और 3 कितना हो जाएगा 69/2, तो कितना हो जाएगा 3 4 2 8 1 6 2 12.5 346.5 हो जाएगा क्षेत्रफल, सो राइट आंसर, ठीक है 346.5 सी नंबर, समझ गए होंगे प्रश्न को, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 178 देखिए क्या कहता है प्रश्न, प्रश्न है एक वर्ग की एक भुजा और एक विकर्ण के आधार बनाकर दो समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है, देखिए कहता है एक वर्ग की भुजा, ठीक है, ये वो जो है वर्ग का भुजा है, तो भुजा यदि ए होगा तो इसको मानकर एक त्रिभुज बनाया गया है, कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, विकर्ण और एक विकर्ण बनाकर, और इसका एक जो विकर्ण है ना इसको मानकर एक त्रिभुज बनाया गया, ठीक है, तो एक जो विकर्ण बनाकर त्रिभुज बनाया गया होगा तो वो इस प्रकार का त्रिभुज होगा, ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, जो कि विकर्ण है इसका आधार और इसका आधार जो है भुजा है, ठीक है, तो कहता है कि उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, ये होगा वर्ग की भुजा, तो सबसे पहले हमसे कौन सा भुजा है, तो पहले भुजा वाला त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ भुजा वाला ले लेंगे और एक बार यह विकर्ण वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, जो विकर्ण पे बना है, तो भुजा वाला त्रिभुज ये है, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, जिसका भुजा आधार है, ठीक है, तो यदि ये आधार है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा जो होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है, तो भुजा स्क्वायर यानी कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 × a² तो ए स्क्वायर रेशियो, विकर्ण लेकर बनाइएगा तो यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण कितना निकल जाएगा √2a, ठीक है, √2a हो गया, तो ये हो गया √2a, ये भुजा बराबर, तो ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा √3/4 × a² ए कितना है √2a² ठीक है, 3/4 से 3/4 कट जाएगा ए स्क्वायर रेशियो, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a² तो a² से a² कट गया तो 1:2 हो जाएगा आपका राइट आंसर, देखिए ऑप्शन में डी नंबर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 179 देखिए क्या कहता है 79, एक समान ए त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, यदि वे दोनों वृत्त एक दूसरे को ए तथा बी पर काटते हैं तो ओ डैश उस केंद्र हो तो त्रिभुज ए ओ बी ओ का क्षेत्रफल कितना होगा, फिगर पहले समझिएगा फिगर क्या है, ठीक है, कहता है कि ए त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं जो कि एक दूसरे को केंद्र से होकर गुजरते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका एक केंद्र है और दूसरा का केंद्र यहाँ है, ठीक है, तो इसको होकर ये गुजर रहा है, ठीक है, इसका केंद्र ये और इसका केंद्र ये, ठीक है, तो ये ओ होगा तो ये ओ डैश है, ठीक है, दिए हुए आपको फिगर में एगो का ओ है एगो का ओ डैश है, ठीक है, और कहता है कि इसको ए बी पर काटती है, यहाँ पे जो ये कट हो रहा है इसको ए कह रहा है और यहाँ पे जो कट हो रहा है इसको बी कह रहा है, ठीक है, तो हमसे पूछा चतुर्भुज ए ओ बी ओ का क्षेत्रफल, ए से ओ को मिलाना है फिर बी ओ इसको इससे और इसको इससे, ये जो चतुर्भुज बना भीतर में, ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, तो देखिए इस प्रकार का ये फिगर बन रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार का फिगर बन रहा है, ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होता है जब इसको हम लोग इस प्रकार से मिला देंगे ना तो ये त्रिभुज जो बराबर होगा ना, ये त्रिभुज मतलब ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है,
समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके अंदर में अगर इसको हम लोग मिला देंगे ना, तो ये त्रिभुज जो होगा ना, ये त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज होगा। और ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें चार आमने सामने, जैसे कि ये जो है ना, सभी भुजा आपस में बराबर होंगे, ठीक है, इसकी सभी भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो देखिए ओ ए बराबर जो होगा ना, ओ बी बराबर होगा ओ ओ डैश बी, बराबर होगा ओ डैश ए के, ये सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग यदि इसका क्षेत्रफल निकाल कर, इसका क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे, तो क्या नहीं निकल जाएगा पूरा टोटल का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर 3/4 इंटू में ए स्क्वायर। तो इसका और इसका ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या है, त्रिज्या, ए त्रिज्या वाला है, ठीक है, त्रिज्या कितना है, ए है, तो ए स्क्वायर और प्लस रूट अंडर 3/4 फिर ए स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि √3/2 a² हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में, देखिए तो है क्या इतना ऑप्शन में, √3/2 a² सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 180 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है, बी समकोण है, ठीक है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे समकोण है, यानी कि ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, ठीक है। कहता है कि बी सी और ए सी के मध्य बिंदु बी और ए के चतुर्भुज ए ए डैश बी डैश बी के क्षेत्रफल और ए त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। कहता है कि बी सी और ए सी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु ये होगा और ए सी का मध्य बिंदु ये होगा, इसको आपस में मिलाकर, ठीक है, यहाँ पे एक ए डैश बन रहा है, यहाँ बी डैश बन रहा है, ठीक है। तो कहता है कि देखिए ए ए डैश ए डैश ए ये वाला ए डैश, फिर बी बी डैश बी का क्षेत्रफल, और बताना है रेशियो त्रिभुज ए बी सी का, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि जब मिड पॉइंट पे, देखिए ये समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जब ए सी का मध्य पॉइंट और बी सी का मध्य पॉइंट एक दूसरे को मिलाएंगे ना, तो ये 1:3 के अनुपात में डिवाइड करेगा ये टोटली त्रिभुज को, ये टोटली त्रिभुज को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये टोटल 1 होगा तो ये 3 होगा, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि ये टोटल 100 होगा। टोटल 100 का क्या मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी 100% होगा, 100% होगा ए बी सी। तो ट्रायंगल जो बचा है कौन सा, देखिए ए बी सी में से ये टोटल, ठीक है, ये टोटल 100% होगा, ठीक है, टोटल 100% होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा थर्ड, और ये एक बचेगा, देखिए एक और ये थर्ड, यानी कि 100 का थर्ड निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 75। ट्रायंगल ए ए डैश बी डैश बी बराबर कितना होगा, 75% होगा, ठीक है, यही चीज़ है और कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों ये आपका कंसेप्ट होता है, ठीक है, थ्योरम होता है, ठीक है। अब देखिए तो ये टोटल जो दिया हुआ है 100%, तो ए बी सी का क्षेत्रफल बाद में लिखा है तो बाद में लिखेंगे 100%, और इसका क्षेत्रफल हमको पहले लिखना है तो इसको कितना है, 75। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, इधर भी प्रतिशत रहेगा कट जाएगा, 25 × 75, 25 × 100, यानी कि 3:4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये बेसिक है, ठीक है, अगर यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। देखिए ये टोटल जब यहाँ इसको यहाँ तक के 3 में डिवाइड किया, इसको 1 में डिवाइड किया, यानी कि ये टोटल जो लेंथ होगा, ये टोटल जो लेंथ होगा कितना का होगा, 4 का होगा, यानी कि त्रिभुज का ये टोटल हो गया, तो ये 4 और ये अकेला ये वाला बचा तो ये कितना है, 3, तो 3। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 181 देखिए क्या कहता है, एक आयताकार बगीचा 100 मीटर और 80 मीटर का है, उसके बाहर उसके साथ बनाए एक रास्ते हैं, उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर, तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए इस प्रकार एक वर्गाकार है जिसकी लंबाई कितना है, ये 100 है तो ये 80 है, ठीक है। कहता है इसके चारों ओर एक वर्गाकार है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितना है, 10 है, मतलब ये इधर 10 है तो इधर भी 10 है, ठीक है, ये 10 है तो इधर भी 10 है। तो हमसे पूछा था तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल बताना है। तो यदि हम लोग क्या करें, बड़का वाला आयत का क्षेत्रफल निकाल कर छोटका वाला आयत का क्षेत्रफल घटा दें, तो जो बीच वाला बचेगा सो निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, बड़ा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल
अब माइनस कर लेंगे छोटा आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए बड़का आयत का निकालेंगे, तो देखिए यहां से यहां तक ले कितना है, 100 है, 10 इधर भी बढ़ेगा और 10 इधर भी बढ़ेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10 10 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 100 में 20 बढ़ेगा, यानी कि 100 में 20 बढ़ेगा तो 120। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 120, चौड़ाई इधर भी 10 बढ़ेगा और इधर भी 10 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कितना था पहले से 80, और 10 उधर 10 इधर बढ़ा, तो 80 20 कितना हो जाएगा, 100। माइनस क्या करना है, छोटा आयत का क्षेत्रफल, छोटा वाला आयत ये है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना था, 100 गुना में 80, 80 हो गया 12, 120 गुना में 100 कितना हो जाएगा, 12 पर 3 को 0, यानी कि 12,000 माइनस में 100 गुना में 80 मतलब कितना हो जाएगा, 8,000, 12,000 में से 8,000 घटेगा तो कितना बचेगा, 4,000, तो रास्ता का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4,000, डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 182 क्या कहता है प्रश्न, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, बी सी को क्यू तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बी सी बराबर सी क्यू, जहाँ ए क्यू भुजा सी डी को मिल बिंदु पी पर मिलती है तो बराबर होगा। देखिए एक ए बी सी डी चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, कहता है बी सी को क्यू तक बढ़ाया गया, इस भुजा को क्यू तक बढ़ाया गया, तो यहाँ पे क्यू तक बढ़ाया गया, कहता है बी सी जितना है ना, बी सी जितना है ना उतना ही ये है, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, और ए क्यू भुजा सी डी को बिंदु पी पर मिलती है, ए क्यू ए से लेकर क्यू तक, यानी कि इसको जो मिलाया, यहाँ पे जो मिला इसको कहता है कि पी पे मिलता है, सी डी के ये जो सी डी लाइन है इसको पी पर मिलता है, तो क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न में क्या होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बी सी पी बराबर है त्रिभुज डी पी क्यू के। अब चलिए हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या सही में जो बोल रहा है सो बराबर है या नहीं। बी सी पी, बी सी पी, बी सी, देखिए बी सी पी मतलब कि इसको इससे मिलाना होगा। ठीक है, ये वाला इसको इससे मिलाना होगा, बी सी पी का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, और ये जो है ना इसके बराबर होगा, और ठीक है, तो जब दो भुजा आपस में बराबर हो गई तो तीसरी भुजा ये वाला तो दोनों में कॉमन है तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल इसका निकलेगा, जो क्षेत्रफल इस त्रिभुज का निकलेगा ना, वही क्षेत्रफल इसका निकलेगा। देखिए होता क्या है, एक थ्योरम होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उसका तीसरा भुजा भी ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो आपका ए नंबर ऑप्शन जो है सही में सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए दो भुजा हम लोग ने बराबर किया, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर आपको दे रखा था, तो ये भुजा ऑटोमेटिक ही बराबर होगा, उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों में कॉमन है तो ऑटोमेटिक बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए दोस्तों ये सब जो प्रश्न होते हैं ना, ये सब एग्जाम में शायद ही पूछते हैं, बहुत कम ही अब पूछते हैं। ठीक है, अब जैसा कि ये सब में होता है प्रूफ करना, ठीक है, ये सभी आपको चार चारों ऑप्शन को लेकर देखना पड़ता है कि हाँ क्या मेरा ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, ट्रायंगल में जो भी हो आयत में जो सेटिस्फाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर आता है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न अब एग्जामिनर नहीं पूछती है, बहुत ही कम पूछती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 183 देखिए क्या कहता है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर, तदनुसार उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। अब देखिए प्रश्न समझिए कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना है, 3 सेंटीमीटर, वर्ग है, प्रत्येक भुजा है 3 सेंटीमीटर, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, कहता है तदनुसार उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। देखिए वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला कोण हो जाएगा ये विकर्ण, विकर्ण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना होता है, 18, 18 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 रूट 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, ठीक है, तो ये वाला हम लोगों को निकल गया कितना, 3 रूट 2। ठीक है, अब देखिए जिस, तो ये जो ऊंचाई है ना ये किसके बराबर है,
तो त्रिभुज का क्षेत्र, तदनुसार उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो ये चीज जो है ना, त्रिभुज का ऊंचाई, त्रिभुज का ऊंचाई, ऊंचाई जो है ना बराबर है किसके, वर्ग का विकर्ण के। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं विकर्ण, यानी कि विकर्ण कितना आया, 3√2। तो ऊंचाई हो गया कितना, 3√2। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब क्या दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तो ऊंचाई दिया हो, ठीक है, फॉर्मूला याद है, एच स्क्वायर वाई रूट थ्री होता है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ऊंचाई दिया हो तो एच स्क्वायर वाई रूट थ्री, ठीक है। तो देखिए 3√2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई करना है रूट थ्री, तो कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2/ रूट थ्री। तो देखिए हमको क्या करना है, रूट थ्री को नीचे में नहीं रखना है, तो रूट थ्री से ऊपर भी गुना, रूट थ्री से नीचे भी गुना, ठीक है। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18 रूट थ्री, या बट्टा में करेंगे रूट थ्री तो 3 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, तो कितना हो जाएगा, 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना गया, 6√3 सेंटीमीटर, देखिए ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब ऊंचाई दिया हो तो एच स्क्वायर बाई रूट थ्री डायरेक्ट आप लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 184 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है, एक समांतर भुजाओं की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 15 और 18 सेंटीमीटर, यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितना होगा। देखिए दोस्तों वही प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न है, ठीक है, कहता है ये 18 है, ये 15 है, ठीक है। कहता है दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, ये जो दूरी दे रखा है कितना दे रखा है, दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12, हमसे ये दूरी पूछा है। तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी हमसे क्या पूछा है, ये तो x मान लेंगे। तो देखिए क्या होता है, 18, देखिए आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार 18, ऊंचाई कितना है x, तो x बराबर बड़ी भुजा देंगे तो इसका आधार ये हो जाएगा 15, और गुना में ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे रखा है 12, ठीक है। देखिए तो 6 × 12 6 × 3 = 18 3 × 5 = 15 एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 × 10 यानी कि ये जो भुजा निकल गया, ये जो एक्स माने थे, ये कितना का होगा 10 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 185 देखिए क्या कहता है, प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 4√3 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तदनुसार उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी जिसकी भुजा उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। देखिए उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, उस वर्ग का विकर्ण, देखिए ये वर्ग है, इसके विकर्ण की लंबाई बताना है, ठीक है। और जिसकी भुजा उक्त समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर, ये जो भुजा है ना, ये किसके बराबर है, समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये बात जान लीजिए, जब ऊंचाई दिया हुआ, अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया था समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल जब ऊंचाई दिया हो, जब ऊंचाई दिया हो तो क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर बाई रूट थ्री, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल कितना दिए हुए हैं, 4√3 बराबर कितना है, एच स्क्वायर बाई रूट थ्री। तो एच स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और ये क्रॉस गुना हो जाएगा 4, और √3 √3 3 हो जाएगा, यानी कि 3 एच निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 4 × 3 4√2 यानी एच का वैल्यू कितना निकल गया, 2√3। अब क्या कहता है कि जिसकी ऊंचाई, ऊंचाई हम लोगों ने निकाला, जिसकी भुजा उक्त समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर, यानी कि ये जो ऊंचाई निकला ना, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, ठीक है। जिसकी भुजा वर्ग के भुजा के बराबर, यानी कि ये 2√3 होगा, तो ये भी 2√3 होगा, ये भी 2√3 होगा, हमका इसका विकर्ण बताना है। तो यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 2√3 का स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर आप प्लस में 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, इधर करेंगे तो 4√3 थ्री, इसी प्रकार आएगा 4 × 12 × 4 × 12 दूना कितना हो जाएगा 24, कर्ण निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 24। 24 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 8 × 3 = 24 नहीं, 4 × 12 × 12 = 24 4 × 3 × 2 ठीक है, रूट अंडर। तो कर्ण कितना निकल के आ जाएगा, 4√2 और √3 × 6 यानी कि 2√6 हो जाएगा कर्ण,
देखिए ऑप्शन में 2√6 है क्या, सी नंबर। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 186 प्रश्न है। केंद्र ए तथा बी त्रिज्या 2 यूनिट वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से सी पर स्पर्श करते हैं। केंद्र सी और त्रिज्या 2 यूनिट वाले एक तीसरा वृत्त अन्य दो वृत्तों को डी तथा ई पर मिलते हैं, तो चतुर्भुज ए बी डी ई का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, कहता है कि ए और बी त्रिज्या वाले 2 यूनिट, देखिए यहाँ पे एक ए होगा, इसका वृत्त इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और एक वृत्त जो होगा सी पर स्पर्श करती है, यानी कि इधर से एक इसको स्पर्श करती है, ये वृत्त यानी कि ए और बी त्रिज्या वाला दो दो है, ये दो तो ये भी दो है। ठीक है, इसको सी पे स्पर्श करता है यहाँ पे। ठीक है, केंद्र सी और त्रिज्या 2 यूनिट वाला एक तीसरा वृत्त अन्य दो वृत्तों को डी और ई पर मिलाता है, सी पर स्पर्श करता है, और केंद्र सी से यहाँ से, ठीक है, केंद्र सी से त्रिज्या 2 यूनिट वाला था, यहाँ से 2 यूनिट यहीं, तो इसको लेकर और इसको लेकर एक वृत्त बनाएगा इस प्रकार से। ठीक है, जो कि 2 यूनिट है, यानी कि इसका जो त्रिज्या है ये और ये, यानी कि सबका त्रिज्या क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो कहता है कि तीसरा वृत्त डी और ई पर मिलाता है, ये डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। ठीक है, इसको डी इसको ई, ठीक है, या फिर ऊपर में डी या ई हो सकता है। ठीक है, तो कहता है कि चतुर्भुज ए बी डी ई, यहाँ पे ए था ये बी था, तो ए बी डी ई, ए बी यहाँ पे डी होगा, ठीक है, ये डी होगा इधर ई, तो ए बी डी ई इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। इस प्रकार का ये त्रिभुज बन रहा है, देखिए सॉरी चतुर्भुज बन रहा है, तो ये देखिए आमने सामने की भुजा बराबर, ये तो कौन सा चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज होगा ये, तो ऊपर वाले भुजा ये दो ये भी दो, तो ये टोटल कितना हो गया, 4। ठीक है, ये देखिए ये भी रेडियस है, ये रेडियस त्रिज्या, तो ये दो। ठीक है, नीचे वाला ये भी त्रिज्या होगा, ठीक है, ये भी दो होगा, और ये भी तो दो ही होगा, तो दो। ठीक है, ये आ गया, समझे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 × समांतर भुजाओं का योग, यानी ये भुजाओं का योग 4 × 2 = 6, इंटू में इनके बीच की दूरी, ये दूरी, तो दूरी अभी हमको निकालना होगा, दूरी दूरी हमको नहीं पता है, तो दूरी हमको निकालना होगा, तो दूरी कैसे निकलेगा, तो देखिए इसको यदि फिगर को हम लोग इस प्रकार ड्रॉ कर ले, ठीक है, इस प्रकार ड्रॉ कर ले, तो ये ऊपर वाला कितना है, ये 4 है, ठीक है, और ये 2 है, यानी कि यहाँ तक का 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक का क्या होगा, ये टोटल, देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का ये, इसको इस प्रकार मिला लेते, ये 2, तो ये भी 2 होगा। ठीक है, ये 2, तो ये भी 2, सॉरी ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो मतलब टोटल ये 4 होगा। देखिए प्रश्न इस थोड़ा समझिएगा, ये 2 तो ये 1 और ये 1, तो टोटल 4 हो जाएगा, ऊपर में 2 दिए ही हुए। ठीक है, हमको पता है, हमको पता करना है ये हाइट, ठीक है, ये वाला हाइट, तो देखिए देखिए यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, ये 1 है तो ये 2 है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गया, कर्ण, तो ये वाला निकल नहीं जाएगा। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, अब प्लस में हाइट ये एच स्क्वायर, ठीक है, तो कर्ण है 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 1 आएगा तो घटेगा 1 बराबर एच स्क्वायर, एच स्क्वायर निकालेंगे तो एच निकालेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 3 आ गया ना, रूट अंडर 3। ठीक है, देखिए एच हम लोगों ने निकाल दिया ना रूट अंडर 3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, 1/2 इंटू में 6 इंटू में दूरी कितना निकाल दिए, रूट अंडर 3, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा, 3√3। देखिए ऑप्शन में 3√3 है क्या, बी नंबर ऑप्शन। देखिए प्रश्न समझे होंगे, थोड़ा सा सोचने वाली बात थी और कुछ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 187 देखिए क्या कहता है।
कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई जो है ना 7 और 4 के रेशियो में आयताकार है, ठीक है, इस आयत के आकार का है, ये 7 है तो ये 4, ये रेशियो में है तो इसके साथ एक्स लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाहर चारों ओर 4 सेंटीमीटर का एक रास्ता बनाया गया, इसके चारों ओर एक 4 सेंटीमीटर का रास्ता, देखिए ये मेरा फिगर थोड़ा गलत बन गया, ये सबका दूरी जो है ना 4 सेंटीमीटर का है, सब बराबर है, ठीक है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है कितना, 416 मीटर स्क्वायर है। तदनुसार उस मैदान का चौड़ाई कितना होगा, इस मैदान का चौड़ाई, ये चौड़ाई बताना है, ठीक है। अब समझिएगा, हम लोग को इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्षेत्रफल देने का मतलब क्या है कि रास्ता का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यदि हम लोग इस बारे वाले त्रिभुज आयत का क्षेत्रफल निकाल ले और छोटा वाला आयत को घटा दे तो जो बचेगा सो ये वाला क्षेत्रफल बचेगा। देखिए क्या करने का मतलब है कि बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 7x आप प्लस में देखिए 4 इधर भी बढ़ेगा और 4 इधर भी बढ़ेगा, 4 इधर 4 इधर, टोटल कितना बढ़ेगा, 8। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, इनटू में चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 4x है और 4x में भी 8 बढ़ेगा तो 8 बढ़ा दिए। अब घटाना है किसको, अंदर वाले के क्षेत्रफल को, तो अंदर वाले क्षेत्रफल को लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो 7 गुना में 4 तो 7 चौक 28 x2 और क्षेत्रफल आखिर देख कितना रहा है, 416, तो बराबर 416। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे और 4x में पुट कर देंगे, हमारा क्या चौड़ाई निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 7 को 4 से तो 7 चौक 28 x है तो x2, देखिए 7 को 8 से तो 8 7 56 x, ठीक है, 8 चौक 32 x और 8 8 64 माइनस में 28 x2 बराबर में 416। देखिए 28 x2 यहाँ माइनस में, यहाँ 28 x2 प्लस में, कट गया, 56 32 कितना हो जाएगा, 6 2 8 5 और 3 8 88 x, 64 जाकर उधर घटेगा तो 416 माइनस 64 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 11 में से 6 जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा, 4 4 में से, तो देखिए 6 में से 4 गया 2 ये नहीं होगा, 11 हो गया, 11 में से 6 जाएगा 5 ये 3 352 88 x, 88 से काटेंगे तो 88 चौका होता है 352, लेकिन 8 चौका 32 8 चौका 32 3 35 यानी कि एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 4। हमसे क्या पूछा है, चौड़ाई, चौड़ाई कितना है, 4x, तो 4 इंटू में x का वैल्यू कितना आया, 4, तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर का, तो चौड़ाई जो है कितना हो जाएगा, 16 का ए नंबर, ठीक है, मीटर है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 188 देखिए क्या कहता है प्रश्न, असमान भुजाएं, मतलब असमान मतलब मिलता जुलता भुजा नहीं है, चतुर्भुज ABCD में यदि विकर्ण AC तथा BD समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है तो, देखिए असमान भुजाएं हैं जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, लेकिन AC और BD यानी कि AC और BD जो है ना समकोण बनाती है, समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है, यहाँ 90 डिग्री बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री, ठीक है, तो क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं क्या है ऑप्शन। तो देखिए यहाँ ऑप्शन जो है AB प्लस BC का स्क्वायर, AB और BC का स्क्वायर जो है CD, देखिए तो सबसे पहले तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बात हमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि D के बाद E बिंदु पे प्रतिच्छेदित करता होगा, ठीक है, समझिएगा प्रश्न। तो ये कर्ण हो गया, तो हाइट आधार क्या हो जाएगा ये, और बेस क्या हो जाएगा A, ठीक है, तो क्या हो जाएगा AE का स्क्वायर और प्लस में BE का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला अगर निकाले हैं तो, ठीक है, दूसरा में क्या निकालेंगे, अगर ये वाला निकालते हैं इसके सामने वाला तो DC का स्क्वायर, ठीक है, DC का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, DC का स्क्वायर, तो देखिए ये जो होगा कर्ण होगा, ठीक है, तो कर्ण के सामने देखिए ये कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, DACE का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, ED का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न समझिए, अगर हम लोग इस दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो क्या होगा, तो AB का स्क्वायर प्लस DC या CD को लिख सकते हैं इस प्रकार, DC या CD, पहले C को लिख लेते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकल पहले CD का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा, AE का स्क्वायर प्लस में BE का स्क्वायर और प्लस में CE का स्क्वायर और प्लस में ED का स्क्वायर। देखिए
तो ए बी का स्क्वायर और प्लस में सी डी का स्क्वायर बराबर ए ई प्लस ई बी। देखिए ए ई प्लस ई बी नहीं, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। देखिए इसको और इसको ले रहे हैं, ए ई और ई सी, ए ई और ई सी। इस टोटल को क्या लिख सकते हैं, इस टोटल को क्या लिख सकते हैं, बी सी नहीं लिख सकते हैं। देखिए ना ए ई ठीक है, और बी ई और ई डी, बी ई और ई डी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर ठीक है, और इसको लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर ठीक है। तो ऐसा हमको कुछ ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर तो हमको दिखा है, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है, बी सी का स्क्वायर है लेकिन बी सी नहीं है ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ और कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग काट देते हैं ठीक है। इसको देखिए दूसरा क्या कर सकते हैं, देखिए ये सब जो होता है ना प्रूव करने वाला बड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते ठीक है। तो ए ई, ए से ई और फिर बी ई, बी ई। अब देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को जोड़ेंगे, देखिए ए ई और ई बी सी ठीक है, ए ई और क्या है बी सी ठीक है। तो कि इसको और इसको लिखेंगे तो ए बी का स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन इसी में देखिए हम लोग क्या करते हैं, बी ई का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर ये वाला और ई सी का स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर किसके बराबर लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ 90 डिग्री बनेगा इसके सामने वाला कर्ण, ये हाइपोटेनस, इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी का स्क्वायर प्लस। फिर देखिए ए ई और ई डी ये वाला, ए ई और ई डी, तो ये इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ही नंबर ऑप्शन होगा, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर के ठीक है। तो ये सब प्रश्न जो है ना आप नहीं पूछती है एग्जामिनर, ये सब प्रश्न बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्रूफ करना ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखिए 189 क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है एक वर्गाकार पलंग जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर आधार बाजे ले एक समबाहु त्रिभुज से जोड़ी गई, तदनुसार उससे बनने वाले लगभग कितने वर्ग सेंटीमीटर कागज इस्तेमाल हुआ होगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि एक वर्गाकार पलंग है ठीक है, वर्ग के आकार का पलंग है ठीक है, कहता है जिसकी विकर्ण 32 है, इसका जो विकर्ण है कितना है 32 है ठीक है। कहता है 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक समबाहु त्रिभुज को जोड़ा गया, मतलब कि आधार इसको मानकर इसमें एक समबाहु त्रिभुज जोड़ा गया, तो ये समबाहु त्रिभुज होते ये भी आधार होगा, ये भी आधार होगा ठीक है, ये वाला समबाहु त्रिभुज ठीक है जोड़ा गया, तदनुसार उससे बनाने में लगाकर कितना वर्ग सेंटीमीटर कागज का इस्तेमाल हुआ होगा सो हमको बताना है ठीक है। कहने का मतलब समझिए कि इसका जो क्षेत्रफल होगा ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल होगा टोटल को क्षेत्रफल को यदि हम जोड़ देते हैं तो ये जो कागज होगा मतलब जितना बनने में लगने वाला होगा उसका इस्तेमाल हुआ होगा ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं त्रिभुज का ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर ठीक है। तो √3 का मान कितना लेकर चलना है, 1.732 वाई में 4 इंटू में ए स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, 4 से काटेंगे तो कितना बार में 16 चौका 64 ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया हो ठीक है, तो विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फॉर्मूला याद होना चाहिए था ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए था। तो विकर्ण कितना है 32, 32 का स्क्वायर करेंगे तो 32 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 24 डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे तो कितना बार में ये 5, 1 2 12, 512 बार में, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 512, और इसमें जोड़ देंगे इसका क्षेत्रफल, तो जोड़िए 512 और प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 16 दूना 32, 16 3 48 और 3 51, 16 7 16 6 84, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112 ठीक है, और 12 और 5 17, 16 1 16 और 16 1 16 और 117, 16 1 16 और 11 कितना हो जाएगा, 17 1 27 ठीक है, और एक अंक के पहले दशमलव बैठेगा यहाँ पे ठीक है,
सॉरी, 3 अंक के पहले दशमलव यहाँ पे, ठीक है, ये 27 हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल 27, तो कितना हो जाएगा, 712.7 और 2 9, 2 और 1 3 5 है, तो 5 539.712 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, देख लिए ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखिए 190 क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उसके वर्ग के भुजा की लंबाई के बराबर है। एक समचतुर्भुज का जो भी प्रत्येक भुजा है ना उसके वर्ग के लंबाई के बराबर, यानी कि वर्ग की भुजा ए होगा, ए होगा, ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है, जिसका विकर्ण दिया हुआ, ठीक है, वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है, वर्ग का ये इसका विकर्ण दे रखा है 40√2, ठीक है, तो और समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई ये जो है ना ये 3 है, तो ये कितना है, ये 4 है, यानी कि 3x × 4x लेना होगा, 3x × 4x, क्योंकि ये रेशियो में है, ठीक है, तो क्षेत्रफल हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए एक सूत्र होता है कि ये समांतर चतुर्भुज, सॉरी, समचतुर्भुज का जो होता है ना डायगोनल, ठीक है, कर्ण जिसको कहते हैं, उसका जोड़ 3x का जोड़, ठीक है, देखिए विकर्णों पे बनने योग्य इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जो होता है बराबर होता है किसके, 4a² के, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 4 × भुजा² ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हमको पहले a पता करना होगा, तो a कैसे निकलेगा, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जब भुजा दिया हो, सॉरी विकर्ण दिया हो, तो विकर्ण का स्क्वायर ÷2, तो विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 40 × 40 और √2, तो 2 हो जाएगा, देखिए विकर्ण का स्क्वायर 40√2 का स्क्वायर ÷2 करना है, तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए ये क्या निकलेगा, ये क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है, क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, a² निकालेंगे तो 40 × में देखिए 2 बार लिखना है 40, और √2 को √2 से करेंगे तो 2/2, 2 से 2 कट गया, 40 × 40 कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 1600, ठीक है, तो a² क्या वैल्यू हो गया, 1600, तो 4 × में a² का डालेंगे 1600, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9x² और 4 का स्क्वायर 16x², 16 9 कितना हो जाएगा, 25x² बराबर कितना हो गया, 4 × 1600, काटेंगे 25 से, तो 25 × 6 150 और 25 × 4 64, एक्स निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 4 × 64, रूट अंडर 4 × 64, 4 का वैल्यू 2 और 64 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32, सॉरी 64 8 का स्क्वायर होता है, सॉरी, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, 16, एक्स निकल गया कितना, 16, तो क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का योग्य, विकर्णों का गुणनफल ÷2, तो विकर्ण कितना है, 3x और 4x, तो 3 और 16 को 3 से गुना करेंगे तो 16 48 गुना में, 16 को 4 से गुना करेंगे तो 16 चौका 64 ÷2, 2 से ही इसको काटेंगे 24 दूना 48, तो 24 गुना में 64 कितना आ जाएगा, 4 चौका 16। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे, 16 लास्ट में 6 किस में है, तो डी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, या फिर आपको गुना करना है तो टोटली आप गुना कर सकते हैं, गुना भी कीजिएगा तो 15 ही इतना आएगा, देखिए 6 4 चौका 16, 4 दूना 8, 6 चौका 24, 24 8 कितना होता है, 32, और हासिल 1 33 के 3, ठीक है, 6 दूना 12 और 3 15, ठीक है, सो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 191 देखिए क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न है, एक भूखंड 2 भुजाएं 32 मीटर 24 मीटर की है, उसके बीच का समकोण पूर्ण समकोण है, अन्य 2 भुजाएं प्रति 25 मीटर और अन्य 3 भुजे समकोण समकोण नहीं है, भूखंड का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना है। प्रश्न समझिएगा, कहता है कि एक भूखंड की 2 भुजाएं 32 और 24 मीटर है, ठीक है, और उसके बीच का कोण जो है समकोण है, ठीक है, तो एक भुजा 32 होगा तो एक भुजा 24 होगा, ये 24 होगा तो ये 32 होगा, और इसके बीच का कोण समकोण है, ठीक है, अन्य 2 भुजाएं 25 मीटर और अन्य 3 कोण समकोण नहीं है, ठीक है, देखिए अन्य 2 भुजाएं जो है ना 25 मीटर का है लेकिन समकोण नहीं है, ठीक है, ये 25 होगा, तो मान लीजिए कि ये भी 25 होगा लेकिन समकोण नहीं है, ये जो है समकोण यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है, ठीक है, तो भूखंड का क्षेत्रफल, ये सभी का क्षेत्रफल हमको बताना है, ठीक है, तो कैसे होगा, लेकिन हमको यहाँ पे बता दिया है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यदि हम इसको ड्रॉ कर ले, इस लाइन को ड्रॉ कर ले, ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल ये जो निकलेगा ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज का यदि हम ये निकाल लें, ठीक है, और ये वाला तो हमें भी नहीं पता है,
तो पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो ये टोटल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना 32, ऊंचाई कितना 24, 2 से 12 बार में, तो 12 × 24, 12 × 36 और 2 × 38, 884 हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि हम लोग पहले ये कर्ण पता कर लेते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 6, ठीक है, फिर 3 × 6 × 12, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, प्लस 4 का स्क्वायर 16 × 6, 4 × 8, 8 × 16 = 17, 2 का स्क्वायर 4 × 1 = 5, 576 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 6 × 6 = 12, 7 × 2 = 9, 1 = 10, 5 × 1 = 6, 1, 1602 किसका रूट निकलता है, 1602 कर्ण, ठीक है, तो किसी का नहीं होता है। देखिए थोड़ा सा 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होता है, ठीक है, सॉरी 6 लिखा गया था, तो 6 × 4 = 10 होगा 16, 1600 का निकलता है 40, यानी कि कर्ण कितना निकल गया, ये 40 निकल गया, ठीक है, ये वाला जो लाइन निकल गया हमको 40 निकल गया, ठीक है। तो एगो का तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए, ये वाले खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वाला त्रिभुज कौन सा नहीं पता है, लेकिन हम लोग हीरोन का सूत्र यहाँ लगा सकते हैं उस त्रिभुज में, क्या होता है, पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, एस 25 25 और 40, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, 25 25 50 40, 90/2 = 45 हो जाएगा, यानी कि एस निकल गया 45, तो क्या होता है क्षेत्रफल एस एस माइनस, तो एस कितना हो जाएगा 45, 45 - 25 कितना हो जाएगा 20, फिर 45 - 25 कीजिएगा तो 20 आएगा, 45 - 20 करेंगे तो सॉरी 45 - 40 करेंगे तो 15, ठीक है, सॉरी 45 - 40 तो 5 होगा, ठीक है, हो गया रूट अंडर। 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 5, 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 4, इस 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 और 5 तो पहले से है ही है, ठीक है, देखिए 9 का रूट 3, 5 2 को 5 है तो 1 को 5 निकल जाएगा, यहाँ 4 का रूट 2 निकलेगा, यहाँ 1 को 5, यहाँ 1 को 5 था, ठीक है, ये नहीं लिखा है 5 5, तो 1 को 5 निकल जाएगा और इस 4 के बदले 2 निकल जाएगा, यानी कि यहाँ क्षेत्रफल कितना आ गया, 5 × 15 × 30 30 × 5 = 150 150 × 300, ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे 384 या प्लस 300, तो कितना हो जाएगा 384 और 300, तो 684 होना चाहिए क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 192 देखिए क्या कहता है प्रश्न, यदि एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग का परिमाप समान है, देखिए समभुज है लिखा हुआ, ठीक है, समबाहु त्रिभुज ही है, तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3a और बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप का, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4a/3, ठीक है, तो ये क्या निकल गया परिमाप, तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर 3/4 × में भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है 4 का स्क्वायर 16 a² / कितना होता है 3 का स्क्वायर 9, रेशियो किसका यहाँ पे लिखाएगा वर्ग का, तो वर्ग का भुजा क्या होता है a² a² से a² कट गया, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 × 16, तो यहाँ क्या बचा 4√3 रेशियो, ये 9 × 9 होकर यहाँ चलाएगा, तो इतना देखिए ऑप्शन में है क्या, देखिए 4 तो है सब में लेकिन √3 इधर में नहीं है, ठीक है, तो इसका हो सकता है रेशनलाइज किया हो, तो √3 से नीचे भी गुना तो √3 से ऊपर भी गुना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4√3 × √3 = 3 और 9 × √3 3 × 9 तो कितना हो जाएगा 4√3√3, ठीक है, अब देखिए 4√3√3 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सो राइट आंसर, समझ गए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 193 1 सेमी कट के मीटर स्टिक से मापने गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है, माना कि मीटर स्टिक की माप सही है तो कपड़े की वास्तविक लंबाई में सेंटीमीटर में कितनी होगी, ठीक है, तो कहता है प्रश्न समझिए कि 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक से, तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और कहता है 1 सेंटीमीटर कम, तो 1 सेंटीमीटर घटा लीजिए तो 99 सेंटीमीटर का माप होगा, कहता है कि 100 मीटर मापा गया, ठीक है, तो माना कि मीटर की स्टिक की लंबाई कितनी है, तो गुना 100, तो 100 × 99 कितना हो जाएगा 99 100,
तो सेंटीमीटर में हमसे पूछा है तो सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखिए 194 लास्ट प्रश्न है, क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर की है और उनका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर, ठीक है, तो एक वो 60 होगा तो ये 40 कह रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा ये 40 तो ये भी 40 होगा, क्योंकि सॉरी 60 होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसका एक विकर्ण जो दे रखा है कितना है 80 मीटर का है, तो ये टोटल का क्षेत्रफल बताना है। तो यदि हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल ले और ये भी तो दोनों बराबर ही होगा, देखिए ये 80 ये 40 ये 60 ये 80 ये 60 ये 40, तो दोनों का इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ए बी सी डी, पहले ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते, ए बी सी का क्षेत्रफल और उसको दो से गुना कर देंगे तो टोटल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए हमको नहीं पता है कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो हम लोग को हीरोन सूत्र पता है, तो पहले अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं, 60, 40, 100 और 180 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो गया 90। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस, एस आ गया 90, तो 90 माइनस 60 तो 30, फिर 90 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40 तो 90 माइनस 40 तो 50, फिर 90 माइनस 80 तो 10 हो गया, बस कुछ नहीं करना है। देखिए 90 को कितना लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिखिए जिससे कि हम लोगों को तोड़ने में आसानी हो, तो 10 गुना में 9, ठीक है, 30 को क्या लिख सकते हैं 10 गुना में 3, 50 को क्या लिख सकते हैं 10 गुना में 5, और 10 है तो 10 रहने दीजिए गुना। देखिए एक वो 10 यहाँ, एक वो 10 यहाँ, 2 वो 10 के बदले 1 10 बाहर, 9 का रूट 3 निकलता है, ये 3 नहीं निकलेगा, ये 10 तो निकल चुका है, ये 10 और ये 10 के बदले 1 10 और निकल जाएगा, ये 3 नहीं निकला, ये 5 नहीं निकला, तो रूट अंडर गुना कर दीजिए, 5 3 15, ठीक है, तो कितना हो गया 10 3 30, 30 दहाई के 300 रूट 15 क्या आ गया इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ऊपर वाला का भी सेम आएगा, तो टोटल का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 से गुना कर दीजिए या फिर इसी को 2 बार जोड़ दीजिए, तो 3 दुना 600 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी हो, ठीक है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर डी पूरा का क्षेत्रफल, ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एरिया समाप्त होता है, उसके बाद हम लोग हो सकता है तो आयतन 3D चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।